एक एपी में बच्चों क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें कि ए बराबर 5 है, एक समांतर श्रेणी में पहला पद 5 है, डी का मान 3 है, एन का मान 50 है, तो बच्चों एन और एस एन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे बच्चों अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 2, उसी के अनुसार इस क्वेश्चन को हम स्वयं हल कर सकते हैं, क्योंकि ए का मान 5 है, डी का मान 3 है, ए एन का मान 50 है। सबसे पहले हम ए एन ज्ञात करेंगे, ए एन, ठीक है, मतलब एन निकल जाएगा। फिर उसके बाद जब एन हमें ज्ञात हो जाएंगे, फिर हम एस एन की वैल्यू और आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए बराबर 7 है, ए 13 यानी 13वां पद जो है वो 35 है, ठीक है, तो डी और 13 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, 13वां पद 35 है, ए का मान 7 है, डी ज्ञात करना है और 13 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों जब ए का मान 7 है और 13वां पद 35 है, तो बच्चों आप जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एन की जगह 13 रख दें। 13 रखने पर जब हम एन की जगह 13 रखेंगे तो हमें 13वां पद ज्ञात हो जाएगा और ये हो जाएगा ए प्लस 13 माइनस 1 डी। ठीक है, ए 13, 13वां पद हमारा 35 है, ए का मान 7 है प्लस 12 और डी का मान हमें ज्ञात करना है। 35 माइनस 7, 12 इंटू डी, 35 में से जब 7 जाएगा तो 28 बचेगा, बराबर 12 इंटू डी, और 28 बटे 12 बराबर हो जाएगा डी। ये आपस में कट जाएंगे, 7 चौक 28 और 4 3 12, यानी डी का मान आया बच्चों 7/3। ठीक है, डी का मान क्या आया बच्चों 7/3। अब बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, 13 पदों का योग, तो एस एन बराबर एन बटे 2 और ए प्लस एल से। ठीक है, क्योंकि हमें 13 पदों का योग ज्ञात करना है और 13वां पद हमारे पास है दिया हुआ, ये हमारे एल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 13, 13/2, ए का मान बच्चों 7 है और एल का मान है 35, 13/2, 35 और 7 हो गए बच्चों हमारे 42, 21, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और 1 27, यानी योग होगा 273। क्वेश्चन नंबर 3। ए 12 यानी 12वां पद दे रखा है बच्चों, वह है 37, डी यानी सारावांता दे रखा है 3, ए यानी प्रथम पद ज्ञात करना है और 12 पदों का योग भी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एन का सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, उससे हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम एस 12 यानी 12 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, इसमें लिखा है कि तीसरा पद जो है वह 15 है, एस 10 यानी 10 पदों का योग दे रखा है 125, तो हमें डी और
ए 10 यानी दसवां पद भी ज्ञात करना है। तीसरा पद दे रखा है, 10 पदों का योग दे रखा है, डी ज्ञात करना है, और जो दसवां पद है वो भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो ज्ञात करते हैं। चूंकि आप जानते हैं बच्चों ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन, एन की जगह हम क्या रखते हैं, 3, क्योंकि हमारे पास तीसरा पद दिया गया है। ठीक है, एन बराबर 3 रखने पर तो हो जाएगा A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 और D। A3 का मान है 15, A प्लस 2D। ठीक है, A प्लस 2D जो है वो 15 के बराबर होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बच्चों आते हैं, हमारे पास 10 पदों का योग दे रखा है। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि एस एन बराबर होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब हम क्या करें, एन बराबर 10 रख दें। जब एन बराबर 10 रखेंगे तो हो जाएगा एस 10, 10/2 टू ए 10 माइनस 1 और डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, और एस 10 का मान है 125, यहाँ 5 बचेगा, 2a और 9d, 5 से ये कट रहे हैं बच्चों, 25 पंजे 125 होते हैं, तो 25 बराबर 2a प्लस 9d। ठीक है, ये हो गया 25 बराबर 2a प्लस 9d, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बच्चों क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 से गुणा कर लें। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लें। जब बच्चों हम 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ 2a है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 15 दूनी 30, 2a प्लस 4d, और ये इक्वेशन है बच्चों 25 2a प्लस 9d। ठीक है, अब हम घटा देते हैं, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पर माइनस का 5, d बराबर 5/5 माइनस का, यानी d का मान माइनस का 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, d का मान माइनस का 1। अब हम क्या करें बच्चों, किसी एक इक्वेशन से a का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से 15 बराबर a का मान हमें ज्ञात करना है, और बच्चों d का मान आया है माइनस का 1, 15 a, ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 इधर आके ऐड हो जाएगा, और a का मान हुआ 17। ठीक है बच्चों, a का मान हमें प्राप्त हुआ और d का मान हमें प्राप्त हो गया, लेकिन अभी हमें दसवां पद भी ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं हम इस सीरीज का जो दसवां पद है वो क्या होगा। पुनः हम सूत्र लगाएंगे बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी से। अब हम एन बराबर क्या रख देंगे, 10। ठीक है, क्योंकि अब हमें दसवां पद याद करना है, तो ए 10 बराबर हो जाएगा, ए का मान आया है बच्चों 17, 10 माइनस 1, और डी का मान आया है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 17, यहाँ 9 बचेगा, माइनस 1, 17 माइनस 9 यानी 8, यानी इस सीरीज का जो दसवां पद होगा वो 8 होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर पाँच है बच्चों, डी बराबर पाँच यानी सार्वांतर पाँच दे रखा है, नौ पदों का योग 75 है, हमें ए ज्ञात करना है और ए 9 यानी नवा पद भी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, प्रथम पद ज्ञात करना है और नवा पद भी ज्ञात करना है। देखो बच्चों, आप जानते हैं कि एस एन बराबर होता है एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है बच्चों। अब डी का मान है, ठीक है, ए का मान हमें ज्ञात करना है और हमारे पास एन का भी मान है क्योंकि एस 9, तो एन की जगह हम क्या रखेंगे, 9। जब 9 रखेंगे बच्चों तो 9 बटे टू टू ए 9 माइनस वन और डी का मान है 5, 9 बटे दो टू ए एस 9 की जो वैल्यू है वो 75 है, 8 पंजे 40, 75 बराबर इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ ए बचेगा और यहाँ 20, 2 से 2 कट गए, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 75 बटे 9 ए प्लस 20, ठीक है, 75 बटे 9 बराबर ए प्लस 20, 3 से काटते हैं, 3 तिया 9 और 25 तिया 75, 25 बटे 3 माइनस 20 बराबर ए, 20 तिया 60 बटे 3 बराबर ए, और 60 में से जब 15 जाएगा बच्चों, 60 में से जब 25 घटाएंगे तो हमारे माइनस के 35 बचेंगे, 3 बराबर ए, ये हमारे लिए ए का मान रहेगा। ठीक है, ये ए का मान रहा। अब हम नवा पद भी ज्ञात कर सकते हैं, चूँकि ए एन बराबर होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस वन डी से नवा पद ज्ञात करना है, ए का मान 35 बटे 3, 9 माइनस वन और डी का मान 5, माइनस 35 बटे 3, 8 पंजे 40, माइनस 35 ये होगा 120 बटे 3, 120 में से 35 घटाते हैं, 10 में से 5 जाता है बच्चों 5 बचेगा और 11 में से जब 3 जाएगा तो 8, यानी जो नवा पद है वो 85 बटे 3 होता है। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो बहुत सरल क्वेश्चन है। ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, एन पदों का योग दे रखा है, हमें एन ज्ञात करना है और ए एन भी ज्ञात करना है। ठीक है, हमें एन भी ज्ञात करना है बच्चों और ए एन भी ज्ञात करना है। देखो बच्चों, एन पदों का योग दे रखा है तो बच्चों आप जानते हैं सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब एस एन का मान कितना है, 90, तो एस एन की जगह हम 90 लिख देंगे, एन बटे दो टू ए, ए का मान 2 है, प्लस एन हमें ज्ञात करना है और डी का मान हमारे पास 8 है। ठीक है, ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो 90 इंटू 2 बराबर एन, 2 दूनी 4 प्लस 8 से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 8 एन और माइनस का 8। ठीक है, 90 इंटू 2 बराबर एन, ये हो जाएगा बच्चों 8 एन और 4 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, 90 इंटू 2 बराबर क्या करते हैं बच्चों, इनमें हमारा 4 जो है वो कॉमन हो जाएगा
जब चार कॉमन होगा तो एन तो हमारा ये है और यहाँ पर टू एन बचेगा और यहाँ पर माइनस का वन, क्योंकि हमने चार कॉमन ले लिया है। चार से इसे काटते हैं, चार इसके अपॉन में लाते हैं बच्चों, ये हो जाएगा एन से अंदर गुणा हो जाएगी टू एन स्क्वायर और माइनस का एन, ठीक है। कितने बचेंगे, 45। तो ये हुआ बच्चों 45 बराबर टू एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है। सबको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों टू एन स्क्वायर माइनस एन और माइनस का 45, ठीक है। अब हम इसके गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टर कर लेंगे। 45 दूनी 90, 90 के ऐसे फैक्टर करना है कि घटाकर एक आए, तो बच्चों फैक्टर होते हैं 10 और 9, 2n स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 10n और माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45। इसमें बच्चों कॉमन है 2n, यहाँ n बचेगा और माइनस का 5, यहाँ पर 9 कॉमन है n माइनस 5, एन माइनस 5 कॉमन हो जाएगा और 2n प्लस 9, एन माइनस 5 बराबर 0 यानी n बराबर 5, ठीक है। और बच्चों 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर माइनस 9 और n बराबर माइनस 9 बटे 2, चूँकि पदों की जो संख्या है वो अपॉन में नहीं होगी ना ऋणात्मक होगी, इसलिए n का मान क्या होगा बच्चों, 5 होगा, ठीक है। n का मान 5 हो गया, तो अब हम पाँचवा पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ए का मान कितना है बच्चों, 2। पांचवा पद हम ज्ञात कर सकते हैं और डी का मान भी हमारे पास है, 2 + 32 यानी 34, यानी पांचवा जो पद होगा वो 34 होगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 आप स्वयं हल कर सकते हैं बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हल किया था हमने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यह क्वेश्चन है बच्चों कि ए एन बराबर 4 है, डी का मान 2 है, एस एन का मान -14 है, ठीक है। तो हमें एन और ए ज्ञात करना है। आप स्वयं हल कर सकते हैं बच्चों इसे, क्योंकि इस तरीके के हमने बहुत क्वेश्चन अभी कर लिए हैं। हम सबसे पहले इसका सूत्र लाएंगे, फिर हमारे पास एन का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसी का। ए बराबर 3 है, एन बराबर 8, एस बराबर 192, तो हमें डी ज्ञात करना है, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि एस की वैल्यू दे रखी है, एन का मान है, ए का मान है, तो हम डी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। एल का मान 28, ये जो एल का मान है 28, इसे बच्चों हम ए एन भी कह सकते हैं, ठीक है। एस का मान 144, कुल 9 पद हैं, यानी एन का भी मान दे रखा है, तो हमें ए ज्ञात करना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे पास ए एन का मान 28 है, यानी एल का मान दे रखा है, ठीक है। एस का मान 144, एन का मान 9, तो ए का मान क्या होगा। तो अच्छा, आप जानते हैं एस एन बराबर होता है एन बटे 2 और ए प्लस एल, जब अंतिम पद दे रखा है। एस एन का मान 144, एन का मान 9 है, ठीक है। ए का मान हमें ज्ञात करना है और एल का मान 28। 16 ने 144, 16 दूनी 32, ए प्लस 28, 28 इधर आके घट जाएगा 4, यानी ए का मान क्या होगा बच्चों, 4 होगा, ठीक है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है।